यूपी के एटा में पंचायत चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भतीजे पुष्पेंद्र यादव पर पुलिस को धमकी देने का आरोप लगा है। पुष्पेंद्र यादव ने शिव को फोन कर खुलेआम बूथ कैप्चरिंग करने की धमकी दी थी और पुष्पेंद्र पर थाने में मामला भी दर्ज किया गया है। यूपी में सत्ता के नशे में चूर नेता पंचायत चुनाव के दौरान जमकर हंगामा। एसपी विधायक के भतीजे ने किया पुलिस अफसर से बदसलूकी और खुलेआम बूथ कैप्चर करने की धमकी। सबसे पहले तस्वीरों में पुलिस वाले से भिड़ते शख्स का परिचय जरूरी। मरून कलर की शर्ट पहने ये जनाब एटा जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह के बेटे और अलीगंज के समाजवादी पार्टी विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भतीजे हैं। इनका पूरा नाम पुष्पेंद्र यादव है। ये वाकया पहले चरण के मतदान के दौरान जब सीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह ने इनकी गाड़ी हटाने को कहा था। ड्राइवर ने सीओ साहब की बात मान भी ली, लेकिन गाड़ी के मालिक पुष्पेंद्र यादव को ये बात नागवार गुजरी और वो पुलिस वाले से जा भिड़े। अपनी ड्यूटी निभा रहे पुलिस अफसर के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि धमकी भी दी। कुछ लोगों ने बीच बचाव किया तो हंगामा बंद हो गया, लेकिन सीओ राघवेंद्र प्रताप सिंह का दावा है कि उनके मोबाइल पर उसी शाम पुष्पेंद्र का फोन आया और एक बार फिर खुलेआम पुष्पेंद्र ने न सिर्फ सीओ के साथ बदसलूकी की बल्कि उन्हें चुनौती भी दी। कहा अब तो बूथ कैप्चर भी करूंगा, रोक सको तो रोक लो। अगर आप हो तो आप कुमारपुर पे आ जाओ, मैं कैप्चर कर रहा हूँ, आ जाओ। अरे कप्तान साहब बताओ, कप्तान साहब बताओ, आप आ जाओ, आप नहीं तो मैं करी थी, आप आ जाओ। अच्छा कैप्चर करोगे, हमें बताओगे, हमें तुम्हें बता रहे हैं। अरे बता रहे हैं, तुम हो ना नेशनल का सिस्टम 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 है ना, तमीज से बात करते हैं। से ही बात कर रहा हूँ, दम तो ऐसा है, मैं पुलिस अफसर हूँ, दम तो बहुत है। तुम चैलेंज मत करो है ना, तुम प्रत्याशी हो, प्रत्याशी की तरह से बात करो। प्रत्याशी हूँ तुम्हारी।